स्वाद घरसा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का वड़ा। चलिए मूंग दाल का वड़ा बनाना स्टार्ट करती हैं। ये बहुत जल्दी ही बन जाता है। आप कभी भी सुबह या शाम नाश्ते में बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। छोटा चम्मच जीरा, हरी कटी मिर्च स्वाद अनुसार जैसा आपको टेस्ट लगे, छोटा कटा अदरक, एक छोटी चम्मच हींग की, बेकिंग पाउडर और धनिया आपको जो पसंद है तो डालें, नहीं तो नहीं, और स्वाद अनुसार नमक। और ये धुली दाल है जो मैंने रात को भिगो के रखी थी 6 से 8 घंटे के लिए। तो अभी हम इसे जो है धो करके अच्छे से निकाल लिया है मैंने। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमें मूंग दाल वड़ा में बनाने के लिए। तो चलिए हम इसे मूंग दाल को पीस लेते हैं मिक्सर में। मूंग दाल वड़ा मैंने पीस के रेडी करके रखा था। और फिर इसमें मैं सब कुछ, ये जीरा थोड़ा जो है वो जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक, बेकिंग पाउडर, हींग, धनिया, नमक स्वाद अनुसार। तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले से मैंने क्वांटिटी में करके रखा था। इन सबको मिला के मुझे अच्छे से चलाना है मूंग दाल के पेस्ट में, और एक अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट आप अच्छे से इसे मिक्स करिए कि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएं। मिलने के बाद ही अच्छा टेस्ट आएगा। मूंग दाल का वड़ा खाने में बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी रहता है। आप सब बनाइए और खाइए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। धनिया मैंने डाला है, बट आपको पसंद हो तो आप यूज करिए, नहीं तो आप मत यूज करिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। कोई कोई इसमें बारीक कटी प्याज भी डालता है, जैसा आपको पसंद है। ओके, तो ये मूंग दाल का पेस्ट हमारा रेडी है। मूंग दाल वड़ा हमारा पेस्ट बन के रेडी है। और मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गरम हो गया है। और आपको मैं एक टिप्स बताती हूँ, जब तेल गरम हो जाए उसमें हल्का सा चुटकी भर नमक डाल दीजिए। इसे जो हम वड़ा बनाएंगे ना, तो वो तेल कम सोखता है, जिससे हमारे वड़े बहुत टेस्टी बनते हैं और तेल भी कम यूज होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब हमारा तेल गरम हो गया है, तो चलिए हम वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। वड़े को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करके, जब तेल गरम हो जाए तो आप स्लो कर दें आंच गैस की, और फिर एक एक करके ऐसे वड़ा डालें। मूंग दाल वड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी भी आप बनाइए और खिलाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसमें कोई मसाला वगैरह ऐसा नहीं है, जो भी सब ग्रीन मसाले हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा है। ट्राई करिए और सब बताइए आपको कैसा लगा मेरा मूंग दाल का वड़ा। और इसे हम मीडियम स्लो करके अच्छे से पकाएंगे। इसे अभी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अभी कलछुल से फिर चलाने लगेंगे तो ये पूरा इधर उधर फट जाएगा, तो हमें इंतजार करना है थोड़ा। मूंग दाल वड़े को हम हल्का हल्का सा पलटेंगे, दूसरी साइड भी हमें सेकना है अच्छे से, उधर भी कर जाए। देखिए एक साइड कैसा ब्राउन सा हो गया है, तो खुद ही अपने आप ही वड़ा तेल छोड़ने लगता है। और इस तरीके से हम बारी बारी करके सबको कर लेंगे दोनों साइड से, अच्छा क्रिस्पी। देखिए हमारे कुरकुरे वड़े बनके तैयार हो गए हैं एकदम। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी बहुत ज्यादा हाई गैस करके वड़ों को ना तले, नहीं तो आप वो बाहर से तो पक जाएंगे और नीचे से कच्चे रह जाएंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए एकदम कुरकुरे कलरफुल सुनहरे वड़े हमारे बन के रेडी हैं। तो चलिए हम इसे अब प्लेट में निकाल लेते हैं। आपको देखिए कुरकुरे कितने कुरकुरी हैं हमारे वड़े, इसकी आप आवाज से पता चल रहा होगा। और देखिए मैंने इसे हरी चटनी बना के रखी थी पहले से, तो ये हमारे वड़े तैयार हैं। मैंने
पुदीने और धनिया की हरी चटनी पहले से बना के तैयार रखी थी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको मेरी हरी चटनी भी की रेसिपी जाननी है तो मैं इसकी भी रेसिपी आपको बताऊंगी। तो आप बनाइए हमारी खुर के लिए मूंग दाल वड़ा, एंजॉय करिए आप सब। और आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, और मेरी पोस्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।